संघर्ष हो गया फैसला। नाई पंडित तुम द्वारिका में चले जाओ और महाराज उग्रसेन जी से कह देना कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्मक अपनी बेटी रुक्मिणी का टीका लेकर के आ रहे हैं। ये पूरी बात हो नहीं पाई तब तक फिर क्या देखा बड़ा लड़का रुकम खड़ा हो गया पिताजी किसका नाम सुनकर के गद्दी से नीचे कूद गए तो कन्हैया था बंद बंद में गाड़ी चलाने वाला वाला जरा जरा से माथन के पीछे नाच नाचने वाला वाला कि वो मेरी बहन की लाइक है। हम एक खासियत तो अच्छी है कि वो बंसी बहुत अच्छी बजाता है कि बंसी बजा करके मेरी बहन को रखेगा। अरे कितनी बिल्कुल नहीं भीष्म कहने लगे बेटा देखो शादी हो नहीं गई केवल एक मशवरा एक बात हो रही अगर तुम्हारी नजर में कोई राजा राजकुमार हो तो तुम बता दो तुम बताओ। रुकुम कहता है पिताजी मेरी बहन इतनी सुंदर है इतना सुंदर लड़का मेरी नजर में तो है नहीं। भीष्म कहने लगे कि पागल हो गए तेरी बहन कितना सुंदर लड़का नहीं मिलेगा तो तेरी बहन सारे जीवन कुंवारी रहेगी शादी होगी नहीं। मेरा सोचो अगर भगवान ने लड़की भेजी है तो उसके लिए बल जरूर भेजा होगा ऐसा तो नहीं कि लड़का ना भेजा हो जरा सोच समझ के फैसला करो ना। तो रुकुम कहने लगा आ गया समझ लो पिताजी एक लड़का है कोई गैर नहीं अपना खास रिश्तेदार है तुम्हें नहीं ध्यान में आता मैं बताऊं